हर दिन एक नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिव्स म्यूजिक एकेडमी और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। बोल पवन सुत हनुमान की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल में शिव्स म्यूजिक एकेडमी में। मैं आपके लिए बताऊं कि अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, म्यूजिक से जुड़ी बातें सीखना चाहते हैं, और उसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बिगिनिंग से सिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो से, जिसके मैं लेसन रेगुलर डालता हूँ। तो आप उनकी वीडियोज देख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं या फिर हारमोनियम या कोई सा भी म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आते हैं इस वीडियो पे। ये वीडियो है ट्यूटोरियल श्री हनुमान चालीसा जी का। ठीक है, जो हनुमान चालीसा है उसके मैं आपको नोट्स बताने का ट्राई करूंगा। हनुमान चालीसा को बहुत तरह से गाया जाता है, इसके अलग अलग कंपोजिशन है, तो अभी जो कंपोजिशन है वो आप सुन लीजिए, जो मैं आपको सुना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसकी सरगम आप देख लीजिए। ठीक है, और बता दूं कि इसकी ये जो स्केल है इस हनुमान चालीसा की, वो मैं गा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, वो है ई मेजर। ठीक है, ये नोट था ई, तो इसको मैं सा मान के चलूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं सर स्टार्ट करूंगा, तो सरगम क्या होगी? ठीक है, मैं आपको जो नोट्स बताऊंगा अगर आप उसको अपनी स्केल में बजा रहे हैं, तो आप जो आपकी स्केल है उसके अकॉर्डिंग बजाइए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए सर यहाँ से ले रहे हैं, तो जो मैं आपको सर यहाँ से बजा रहा हूँ वो सिंपल आपको यहाँ से बजाना है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से देखते सरगम, सारे गम पदानी सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बीच बीच में ये जो नी शुद्ध है, नी कोमल बीज बना है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ है। तो शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, केवल हम इस पर फोकस करेंगे। सारे ग निज मन मुकुर सुधार, ये हुआ पा। ठीक है, पाप मगर गर सा। अब नेक्स्ट, बरनौ रघुबर विमल जसु। ठीक है, जो हमने सबसे पहले बजाई थी इसकी कंपोजिशन सेम है, तो सेम नोट्स होंगे। सा 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 रे गा रे गा। अब आती है जोदायक भजन। जोदायक फल चा, इसकी भी कंपोजिशन सेम है, जो हमने दूसरी लाइन पहले। पापा मगर गर सा। अब आते हैं बुद्धि पापा मारे
अब देखिए यहाँ तक कॉर्ड्स कौन से यूज हुए हैं, कॉर्ड्स बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग की हमने ए मेजर से, श्री गुरु चरण सरोज रज, जैसे हमने सरोज बजाया, सरोज के स पर सी शार्प माइनर लग जाएगा, ठीक है। ई मेजर, सी शार्प माइनर, फिर ए मेजर, फिर बी मेजर, ठीक है। अभी के लिए आपको चार कॉर्ड्स यूज करना। अब आते हैं बुद्धिहीन तनु जान के, यहां तक मैं बता चुका हूं। उसके बाद सुमिरो पवन को कुमार, अब देखिए आपको सुनने में पता लगा होगा कि जो कुमार वर्ड पे लिया है वो उसने नहीं कोमल लिया, ठीक है। इस सब के अकॉर्डिंग ये था निशुद्ध, ये हुआ नी कोमल। फिर से देखते सारे गम बाधा नी सा सा नि ध प म ग नि सा, ठीक है। फिर से देखते हैं बुद्धि तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, पा 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 दा धा नी दा पा। अभी जो मैंने नी बजाया है वो है नी कोमल, ठीक है। इसके बाद बला बुद्धि विद्या देह मोहि, यहाँ पे जो एंड कॉर्ड होगा, एंड का कॉर्ड होगा वो है एफ शार्प माइनर। केवल हम इस पर फोकस करेंगे। ये था अपना पा, वासानी दापा। अभी भी नी कोमल ही हुआ, ठीक है। आप इसको देख के पता लगाइए क्योंकि ये नी शुद्ध है तो उससे एक पहले नी कोमल आता है। बलबुद्धि विद्या देह मोहि, पद पद नींद पमर हरहु कलेश पाप मगर हर सा, ठीक है। फ्रेंड्स ये हनुमान चालीसा से पहले जो श्लोक होता है उसके नोट से। अब आते हैं हम हनुमान चालीसा की जो स्टार्टिंग, ठीक है। मैं आपको दो कड़ी बता दूंगा क्योंकि अगर पूरा मैं गाने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उतना वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। तो बाकी जो नीचे के जो कड़ी हैं वो उसमें आपको सेम रिपीट्स करना है, ठीक है। जो मैं पहले बताऊंगा उनको आपको रिपीट करना है सिंपल, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपीट करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। केवल हम इस लाइन पे फोकस करेंगे। सारे पा 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 जय कपीस के हुलो जागर पामागर सानिदा रे गरे सा, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार शुरू से लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस के हुलो जागर, इतना क्लियर होगा आपको। उसके बाद ठीक है फ्रेंड्स इतना क्लियर होगा। उसके बाद राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पवन सुनामा, ठीक है। इसकी कंपोजिशन सेम है तो इसके नोट भी सेम होंगे जो पहले मैंने बताया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन पर जो है महावीर विक्रम बजरंगी, देखते क्या है सारे गम, ठीक है। आपको उठाना है गा से महावीर, केवल मैं महावीर की नोट्स बताऊंगा। गमारे पापमा, ये हुआ महावीर। महावीर विक्रम इसके
सभी कंपोजिशन सेम है, फिर जो आपका स्टाइल है वो सबका स्टाइल अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा। ठीक है, ये तीन लाइन के आपको सेम करना है। उसके बाद जो कानन कुंडल कुंचित कैसा है, इसमें आपको हाई ले जाना है। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कानन कुंडल पासा निधापा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, दापा मगर रेसा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। इसमें जो अलग अलग तरह की कंपोजिशन वो केवल इतने थे। अब इसके बाद जो भी इसकी कड़ी आती है उसमें आपको सेम कंपोजिशन रिपीट करनी है जो हमने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में बजाई थी। ठीक है, इसके बाद जो भी कड़ी है उसमें आपको सेम रिपीट करना है। इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आप और कोई भी भजन और कोई भी गाना का नोट्स जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे अपलोड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके द्वारा मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।